अब आपके मध्य में मैं पुकार रहा हूं, जो आप सभी उनको टीवी पर अनेक बार देखते हैं, जिन औषधियों को लोग पहचानते नहीं हैं, उन औषधियों के बारे में बता बता करके उनसे हमें क्या क्या लाभ होंगे, हजारों प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं, लोगों को नया जीवन देते हैं। एक ऐसा नौजवान जो अपना पूरा जीवन ऋषि दयानंद के नाम पर इस धरती के प्रत्येक मानव के कल्याण के लिए लगे हुए हैं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, जो कि पतंजलि योगपीठ के महामंत्री, और जिन्होंने धरती के ऊपर उन लोगों को जो आयुर्वेद का काम करते थे लेकिन उन्हें कोई पहचानता नहीं था, आज सारे देश में आयुर्वेद के लोगों की शान बढ़ी है और सरकार ने भी आयुर्वेद को मान्यता दी है। इस प्रकार से उनका एक पुस्तक आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, उस पुस्तक को पढ़िएगा, और अनेक पुस्तकें आपकी हैं। और ऋषि दयानंद के दीवाने आर्य समाज की भट्टी से निकले हुए कुंदन के रूप में पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी अपने वचनों से हमें लाभान्वित करेंगे। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी। आज 25 करोड़ गायत्री यज्ञ अनुष्ठान के, चतुर्वेद ब्रह्म पारायण यज्ञ के प्रारंभ के आज इस पावन दिवस पर यहाँ पर हमारे सबके बहुत सम्माननीय बहुत प्रिय महाशय जी के साथ में हमारे आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान तपस्वी साधक परम पूज्य स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी प्रमाणानंद जी महाराज, हमारे परम श्रद्धे स्वामी कर्मवीर जी, पूज्य स्वामी धर्मानंद जी, पूज्य स्वामी देवव्रतानंद जी, देवव्रत जी, और बाकी सभी पूज्य वरिष्ठ हमारे वैदिक धर्म के सन्यासी वृंद यहाँ पर इस विशाल पंडाल में उपस्थित, हमारी पूज्य मातृशक्ति, हमारी वंदनीय बहनें, सभी वैदिक धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले महानुभाव, इस गुरुकुल के सभी वरिष्ठ अध्यापक गण, छात्रगण, और इस भूमि, इस पवित्र गुरुकुल को अपने दान से सिंचित करने वाले सभी इस संस्थान के सदस्यगण और सभी सहयोगी बंधुओं, निश्चित रूप से यह धरती यज्ञ पर टिकी हुई है। यज्ञ के द्वारा हम जहां अपनी आत्मकल्याण की बात करते हैं, आत्मकल्याण के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहीं पर दुनिया के कल्याण का रास्ता भी वहीं से प्रशस्त होता है। आज दुनिया, बेशक हम मंगल तक पहुंच गए हों, परंतु जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो मनुष्य भटकने से कभी नहीं रुक सकता। ये ऋषि दयानंद की कृपा है कि इस ऋषि दयानंद ने हम सबको उस यज्ञीय परंपरा से जोड़ा, यज्ञ की महत्ता से जोड़ा, और उस यज्ञ को प्रत्येक व्यक्ति से, मनुष्य मात्र से जोड़ा। आज विविध तरह के अनुसंधान हो रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं, यज्ञ के ऊपर भी जितना भी अनुसंधान हुआ है, जितना भी कार्य हुआ है, उसके परिणाम बहुत उत्साहजनक हैं कि वो मानवता के लिए यज्ञ किस तरह से उपकारी हो सकता है। यहां तक अनुसंधान हो चुका है कि जो
व्यक्ति दवाई मुख से नहीं ले सकता है, यदि उसको यज्ञ करके यज्ञ की वेदी के पास में बैठा करके विविध जड़ी बूटियों के द्वारा यज्ञ किया जाए तो उस बीमारी में उसको लाभ हो सकता है, यहां तक कार्य हो चुका है। ऋषि दयानंद ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व इसकी उद्घोषणा की थी कि यज्ञ में डाला हुआ पदार्थ वो नष्ट नहीं होता है, अपितु कई गुणित होकर के, सहस्र गुणा होकर के वह वायुमंडल के माध्यम से हम सबको पुनः प्राप्त होता है। वह बात आज अक्षरशः सत्य सिद्ध हो चुकी है। तो आज आवश्यकता है, जिस तरह से हम बाकी विषयों में आज अनुसंधान कर रहे हैं, उसी तरह से यज्ञ के ऊपर भी अनुसंधान करने की आवश्यकता है। अनुसंधान प्राचीन काल में भी होता था, उस समय के अलग पैरामीटर्स थे, आज जो मॉडर्न साइंस है उसकी अलग तरह के पैरामीटर्स हैं, पर जो सत्य है वह सत्य होता है, यज्ञ सत्य है, यज्ञ का लाभ सत्य है, आवश्यकता है आज की भाषा में दुनिया को समझाने की, इसके लिए भी हमको उद्यत रहना चाहिए। पतंजलि योगपीठ भी इसके लिए अभी कार्य कर रहा है और व्यापक स्तर पर हम इस विषय में कार्य करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है, स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज हरिद्वार पहुंचे सामग्री के लिए भी, कि आपने कहा कि बहुत अच्छी जड़ी बूटियां इस यज्ञ सामग्री में डाली जाए, क्योंकि क्षमा करिएगा जो बाजार में सामग्री मिलती है उसके अंदर जो है जो सड़ी गली जो जड़ी बूटियां होती हैं जो दवाइयों में प्रयुक्त तो होने लायक नहीं होती हैं उसको सामग्री बना करके बेचा जाता है, तो दुर्भाग्य से गुणहीन सामग्री इस दिव्य यज्ञ को कहीं पूर्ण करने में, यज्ञ के लक्ष्य को प्राप्त कराने में सक्षम हो, यह थोड़ा सा संशय रहता है उसमें। तो हमने जो उत्तम औषधियां हैं, जो ताजी जड़ी बूटियां हैं जो हम अपनी दवाइयों में प्रयोग करते हैं, उन जड़ी बूटियों को कूट करके यहाँ पर पहुंचाने का प्रयास किया है, और हम चाहते हैं कि आप यज्ञ बृहद यज्ञ इस तरह के यज्ञों का आयोजन बहुत ही हम सब के लिए गर्व की बात है, प्रसन्नता की बात है। इससे जितने भी वैदिक सिद्धांत को मानने वाले भाई बहन हैं, जो ऋषि दयानंद के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो इस यज्ञ परंपरा में विश्वास करते हैं, उन सब के लिए यह बहुत ही गर्व का क्षण है, और हमें मुझको स्वयं को बहुत प्रसन्नता है इस मंझावली गुरुकुल में, क्योंकि हमारा जीवन गुरुकुल से ही प्रारंभ हुआ और उस गुरुकुल की परंपरा में भी आचार्य हरिदेव के रूप में आज स्वामी प्रणवानंद जी हमारे बीच में हैं। इन्हीं के गुरुकुल गौतम नगर में हमने प्रारंभिक शिक्षा पाई, और मैं ये मानता हूँ कि आज जहाँ भी हम खड़े हैं, हम जो भी कर रहे हैं, तो वह ऋषि दयानंद की कृपा है, उनका प्रसाद है, और इस गुरुकुलीय परंपरा का देन है। उसी परंपरा से आज समाज के अंदर, क्योंकि हम स्वयं पढ़ते थे कि अरब से खत आया होगा, हम गुरुकुल में बोलते थे कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है, पर प्रभु की कृपा से आज जो भी देश के अंदर श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने जब इस बीड़ा को उठाया कि इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, काला धन के लिए जब मुहिम उठाया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बाबा जब तुम बड़े शांति से थे, सब लोग तुम्हारे पास आते थे, ये पंगा क्यों लिया? पर श्रद्धेय स्वामी जी को पता था कि इस अभियान को उन्होंने क्यों शुरू किया था। उस समय पर जो लोग मना करते थे, विरोध करते थे, आज उन्होंने उस परिणाम को पूरे देश ने नहीं अभी तो पूरी दुनिया ने देख लिया। तो गुरुकुल का ब्रह्मचारी क्या करता है, गुरुकुल का ब्रह्मचारी कहाँ पहुंच सकता है, गुरुकुल के ब्रह्मचारी के पीछे ऋषि दयानंद का तप का आशीर्वाद है, गुरुकुल के ब्रह्मचारी के पीछे उस सत्य सिद्धांत वैदिक सिद्धांत का एक आश्रय है। इसलिए जो कुछ कर सकता है, जो दिव्य कार्य हो सकता है, जो भव्य कार्य हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, वो गुरुकुल के द्वारा हो सकता है, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के द्वारा हो सकता है, वैदिक सिद्धांत के द्वारा हो सकता है, इस तरह के महान यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा हो सकता है। हमको भी बहुत काम करना है, देश के विकास के लिए भी बहुत काम करना है, राष्ट्र के उत्थान के लिए भी बहुत काम करना है, और हमको इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है, अभी सरकार के साथ भी हमारी इस विषय में भी बात हो रही है। मैं श्रद्धेय स्वामी जी को कह रहा था
अभी एक वैदिक शिक्षा बोर्ड की गठन की भी आवश्यकता है, जिससे हमारे भारतवर्ष के सारे गुरुकुल आज गुरुकुल में पढ़ते हैं। मैं गुरुकुल का छात्र रहा हूं, मुझको पता है कहीं गुरुकुल कहीं परीक्षा दे रहे हैं, किसी गुरुकुल का किसी विश्वविद्यालय से संबंध है, किसी गुरुकुल का किसी कॉलेज से संबंध है, बड़ी समस्या होती है। इस गुरुकुल के अंदर शिक्षा के अंदर एक रूपता आए और उस शिक्षा में पूरी तरह से हमारे वैदिक सिद्धांतों के साथ में वेद उपनिषद दर्शन और पाणिनीय व्याकरण के साथ में आधुनिक शिक्षा का भी समावेश हो, यह प्रयास भी श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा किया जा रहा है और बहुत जल्दी यह इसका परिणाम हम सबके बीच में होगा, जिससे कि हम सबको बड़ी प्रसन्नता होगी। इसी तरह से अभी एक भाई हमको दे रहे थे गोरक्षा की बात, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। जितने भी हमारे मन में मनोभावनाएं हैं, जिस तरह का देश हम देखना चाहते हैं, जिस तरह का परिवेश हम देखना चाहते हैं, जिस तरह का समाज हम देखना चाहते हैं, हम सबको अब खड़े होकर के उस समाज का निर्माण करना है, उस देश को बनाना है, क्योंकि उस देश के प्रति निष्ठा रखने वाली सरकार आज आप और हम सब के पुरुषार्थ से, श्रद्धेय स्वामी जी जैसे महापुरुष के पुरुषार्थ से आज इस देश में सरकार गठित हुई है और वह कार्य भी पूर्ण होगा, ये हमको पूरा विश्वास है। योग आयुर्वेद के लिए कभी कोई कल्पना कर सकता था कि एक भारत का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के वह योग की बात करेगा, वो गीता गिफ्ट देगा। यह एक नई शुरुआत है, एक नया एक दृश्य, एक नया परिवेश अभी हमको दिखाई दे रहा है। समय अंगड़ाई ले रहा है, इस अंगड़ाई को हम समझें। जब परिवर्तन हो रहा था हम कितना समझ पाए, पर यदि ना भी समझ पाए हो, अब परिवर्तन हो रहा है, समय अंगड़ाई ले रहा है, इसको हमको समझना होगा और इसके द्वारा देश के अंदर भी अभी नया कार्य होने वाला है। वैदिक समय पुनः लौटने वाला है, वैदिक काल पुनः आने वाला है और गुरुकुलीय परंपरा, वैदिक शिक्षा, वैदिक संस्कृति का पुनः उत्थान होने वाला है। दैनिक यज्ञ के प्रति, जो पंच महायज्ञों का विधान है उसके प्रति, वैदिक सिद्धांत के प्रति ऋषि दयानंद ने जो कहा है, ऋषियों ने जो कहा है, उसको अपने जीवन में आचरण में अक्षरशः लाने के प्रति हम जागरूक हों, हम पूरी निष्ठा से लगें, तो दुनिया का परिवर्तन अवश्यंभावी है, क्योंकि परिवर्तन स्वयं से प्रारंभ होकर के तब दुनिया तक जाता है। इसलिए संसार में हम कुछ भी करना चाहते हैं, इसके लिए आवश्यकता है कि सबसे पहले वह परिवर्तन हम अपने अंदर महसूस करते हुए अपने अंदर उस परिवर्तन के नींव को, उस बीज को अपने अंदर रोपित करें, तो इस माध्यम से हम दुनिया के अंदर बड़ा से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं संसार के अंदर, क्योंकि अभी एक नया परिवेश तैयार हो रहा है, योग के प्रति रुचि बन रही है। बराक ओबामा का एक स्टेटमेंट अखबारों में भी छपा हुआ है कि बोला मोदी जी 9 दिन तक भूखे रहे, उपवास में रहे, गर्म पानी पिया, पर बोले इतने एनर्जी उनके अंदर कहां से आई। उपवास तो बराक ओबामा को समझ में नहीं आया, पर एनर्जी कहां से आई, इस स्रोत को ढूंढने का उसने प्रयास किया और कहते हैं कि अब योग के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। तो दुनिया के जब लोग जिस चीज को करते हैं, जिस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो दुनिया के लोग जो है उसको स्वीकार करने लगती है, तो वह समय आ रहा है। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे उस विधा को हम और बढ़ाएंगे, हम अपने स्तर पर भी प्रयास करेंगे, सरकार के स्तर पर भी प्रयास करेंगे। जैसे यह यज्ञ हुआ है, इस तरह के जो अनुष्ठान होते हैं वह वैज्ञानिक मापदंड पर उसको मापा जाए, उस कसौटी पर उसको कसा जाए, यह सत्य है, तो सत्य को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए काम किया जाए, यह भी जरूरी होता है। क्योंकि हमारी परंपरा में गुरुकुल आदि के विधाओं में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, बहुत उम्द बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े पूजनीय संत हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, परंतु क्या होता है कि जो उनका दायरा है वहां तक के लोगों को ही पता चल पाता है उन कार्यों का, उस तरह से कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया कि दुनिया में उस कार्य को पहुंचाया जाए। यदि ऐसा प्रयास किया जाए तो उस सत्य से पूरा दुनिया लाभान्वित हो सकता है, उसके लिए भी हम सबको कार्य करना है। और हमको आपके बीच में आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, चित्तेश्वरानंद जी ने मुझको कहा कि आचार्य जी आपको आना पड़ेगा, इन्होंने लगातार 10 दिन तक फोन किया होगा, तो मेरी ना करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हैं हरिद्वार से थोड़ा दूर पड़ता है, बहुत सेवा के कार्य करने पड़ते हैं, तो इसी बहाने से हमने तो स्वामी जी की जो हमारे ऊपर कृपा है उस कृपा को भी बताने का प्रयास किया है। तो पुनः मैं आप सबको बहुत ही नमन करता हूँ, आप सबको मैं वंदन करता हूँ और मंचासीन
पूज्य संतों के चरणों में, पूज्य सन्यासी वृंदों के चरणों में। अभी हमारे बीच में मैं देख रहा था हमारे आचार्य ओम स्वरूप जी ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा गुरुकुल और गौशाला संस्थाएं चलाई, इन्होंने सब सौंप दिया है पतंजलि योगपीठ को। बोले जो करना है आप लोग करें, तो वहाँ डिकाडला में भी पुनः गुरुकुल बढ़िया ढंग से शुरू होगा और वहाँ गौशाला भी और जैसे चला रहे हैं उस ढंग से कार्य होगा। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबको पुनः मेरी बहुत सादर नमस्ते ओम। देखिएगा बंधुओं, वास्तव में बात आज चरितार्थ हुई है, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। आप भी गुरुकुल के ब्रह्मचारी, पूज्य रामदेव जी गुरुकुल के ब्रह्मचारी, कर्मवीर जी गुरुकुल के ब्रह्मचारी, आज सारी धरती पर, केवल भारत में नहीं विश्व में, पूज्य रामदेव जी ने, आचार्य बालकृष्ण जी ने एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। आज देश की ही नहीं विदेशों की सरकारें भी योग और आयुर्वेद को मानने पर मजबूर हुई है। और आज आपने देखा कि स्वामी रामदेव जी का प्रभाव मोदी जी पर इतना बड़ा था कि अमेरिका में उन्होंने कहा कि हमें योग का काम करना है, और बराक ओबामा में इस बात के लिए तैयार हुए। इन ब्रह्मचारियों ने धरती पर हलचल मचाई है, हमें गर्व है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से आचार्य जी का अभिनंदन करेंगे।